हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 4 बजे हैं और एक बार चाय बना दी मैंने खाने के बाद में, और ये तो पूरा दिन चलता रहता है, ढकड़ बड़बड़ डिस्टर्ब तो होते ही रहते हैं, प्रॉपर व्लॉग भी नहीं बना पाते, और काम चल रहा है घर में फर्नीचर का। तो जी ये देखिए, प्रीति का बेडरूम भी तैयार हो चुका है लगभग, और बस इसमें ये हैंडल रह गया है लगाई बिना, निशान लगा हुआ है, इसमें सिर्फ एक हैंडल रह गया एक वाले पल्ले में, और बाकी देखिए सब। और ये लगने के बाद में रूम का एकदम लुक ना बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि बेड का लुक एक डिफरेंट सा कलर है, और ये जो टाइल्स है हमारी इसमें इनका कलर मैच हो गया। इधर आरुषि देख रही है फोन, गुड्डू ने किया थोड़े से कपड़ों की तह, प्रीति कर रही है आराम, और नंदिनी भी सो गई है, आरुष बैठा है उधर रही है। अभी उधर बेड का एक फ्रेम तैयार हो गया, दूसरा उधर रखा, आज बेड का एक बॉक्स तैयार कर रहे, और इधर हमारी स्टूडियो की टेबल तैयार हो रही। ये देखो, ये सब हमने रेडीमेड नहीं खरीदा, ये घर पे ही बनवा रहे, क्योंकि इसकी मजबूती ज़्यादा होगी। ये देखिए इसके ये डोर बन गई 3-4 इस वाली टेबल की, और इस पर हम दोनों आराम से बैठ कर काम किया करेंगे। ये क्या होगा कि ये हिलने की नहीं है, देखो वे तो दोनों ऐसी हो रही लचकदार, रेडीमेड है ना, वे रेडीमेड का तो ऐसा ही हुआ है, थोड़े दिन का सौदा हुआ है, थोड़े दिन चला है। उधर आरुष जो है वो रेडे पे खेल रहा, केला तेरा केले का कैसा मन लग रहा भाई आज? है भाई, पिताजी ने करवाई क्या? चप्पल कहाँ है भाई तेरी? हाँ चप्पल, अच्छा पीछे गिर रखी, इसमें बोल नहीं रहा बिल्कुल भी। तो हेलो गाइज, ये है आरुष और ये चिमटी से खेल रहा है, इसका कुछ पता नहीं हो, तुण के तो भी खेल रहा है, और ये बोल कुछ रहा नहीं, सिर्फ अपनी गाड़ी से खेल रहा, और रेडे बैठ के जमा मिली बोल का। तो बता काम कर लिया स्कूल का? ठीक। ये हमारी चाय है दूसरी बार, पहले मैंने मिस्त्री जी को दे दी थी, अब दोबारा बन रही है, और गुड्डू के पापा उठ के आ गए, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। चाय की पत्ती, चीनी, अदरक मैंने डाल दिया, और अब तो मुझे भी तलब से आने लगी। एक बार तो फीवर हुआ था ना जब, तो तब तो एक बार मन हट गया था, लेकिन फिर से अभी जैसे ठंड सी पड़ती जाएगी ना, तो इस टाइम मन करता ही है। ये देखिए आ गए सारे के सारे घूमने के लिए घेर में, शाम के टाइम छोटी सी जिद करते हैं, और ये जिद हमें इनकी पूरी करनी पड़ेगी। छोटे छोटे पिल्ले के लिए यहाँ पर अपने पापा से डिस्कस कर रही, और चिंकी ना इतनी फेंक रही जिसकी कुछ हद नहीं है, फेंक ये रही। मैंने फेंका नहीं, मेरे दांत टूटा, ये दोनों भी जा लिए, यो भी जा लिया। अरनु कह रही इतना सारा खून निकला स्कूल में, सच्ची में बहुत सारा खून निकला, ये देखो इसका फेंकना। तो गाइस आज जो है इसकी मपाई तुलाई हो गई है, और ये पता नहीं निशान लग गए, तो अब यहाँ पर जल्द से जल्द काम हो जाएगा चालू। और अभी मैं भी देख कर आती हूँ निशान इन्होंने कहाँ से कहाँ तक लगवाई, बिना निशान लगवाई इन्होंने ईट डलवा दी थी। क्या चाहिए बताइयो बेबी, इस टाइम में साफ साफ बताइयो, गलत पहने में ना रखियो, गन्ना पक्का लॉक कर दूं, लॉक कहाँ से कर दूं। और देखो इत्तेफाकन मेरे भी येल्लो कपड़े, आपके भी येल्लो कपड़े, और चिंकी के भी येल्लो कपड़े। ये आज क्या हुआ? येल्लो नहीं, ऑरेंज। येल्लो सही है बेटा, वो डार्क होते ही थोड़ा ऑरेंज लगने लगे। तो चलिए गाइज अभी इन्हें देख कर आते हैं, इसमें सरसों में क्यों घूम रहे, थोड़ी बहुत डांगरों के काम आ जाएगी, पूरे को आ जाओ। अच्छा पिंक कलर के, अच्छा ये यहाँ से नेड़ा हो गया, यो है बेबी को पिंक पसंद है, हैं कौन सा पसंद है बेबी को? पिंक पसंद है। मम्मी हमें एक भट्ट दिखा सांप का, है ये पायर है उसके, गाय माता के। अच्छा। दिखे मैं छोड़ गया कहीं ना जाऊ, मुझे तो डर लगे, यहाँ बराबर में एक वैसा सुअर सवार आ गया जंगली, तो मैं कहाँ लेकर दौड़ूंगी ना जागतो को। हाँ इसे पता भी जा रहा, जा मुड़ के वहाँ आ जाता है। आरुषि तुझे भी डर लगा अभी जाते? तो जी इसे तो डर लगता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा लगे, और इन्हें यही खड़े रहने दो, पर तक घूम गाऊंगी इसमें, तो आज फिर पानी टूट रहा। चिंकी मैंने
नहीं जा रही मैं। हो जान दे सा डांगरो काम हो जाए, आ जाएगी खाने के। यहाँ भर रहा पानी और उसी ने दसा दी अपनी चप्पल। आप जोड़ लगा रही पैर से। जाओ बेटा निकाल के लाओ। अरे निकाल के लाओ आप तो। लो मैं निकाल। ओ आवाज कई को हो रहा है। चैन बना ले नंदनी, चैन बना ले, नहीं तो देख। देखो चप्पल के साथ में क्या आया है। गारा। गारा आया। हाँ। लो बहुत सारा कीचड़ है। रुक जा अभी से साफ करेंगे, तभी तो पहनी है। ईंट पे वो कर दो इसे। मैं लगाता हूँ कुछ जुगाड़। हाँ जी ये बस। लो आज तो एक कदम भी नहीं रख रही। पापा को भी थका होगी अपने। क्यों नहीं रख रही, क्या बात हो रही है? नहीं ये तो खेलती फिर हो जाए यहाँ के। ऐ या गन्ना चूसेगी, ये गन्ने दिख रहे हैं ना इसे। आप खेल के नहीं रहे हो, एक तो सो गया उठ का ही अभी। हाँ ये देखो इसका सिग्नल। हाँ बेटा। नहीं बेटा आप बड़े हो ना, ऐसे नहीं करते। हनुमान जी तो हूँ नहीं कि सब कोई ऐसे ही बिठा लो बजाओ पे। देखो उसने गर्दन पकड़ ली आम की, एकदम नाड़ की गोली भर ली। नहीं चिंक अच्छा घर चलो, अच्छा हो चलो। देखो चिंकी छुप रही, चिंकी ना उधर जाके छुप गई। यार ये कह रही मम्मी मुझे ढूंढ दो, ये देखो वो रही उस तरफ। चलो जी अभी मैं बोल रही है, जिद कर रहे हैं ना बच्चे, मगर सीधे सीधे घर चलो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हमारे पास में, पतली गली से और चौड़ी सड़क से निकल लो। चलो क्या कर रही थी तू चिंकी वहाँ? देख हम कल यहाँ गन्ना चूस गए थे बैठ के, खिल्लत पड़े। आप स्कूल जा रहे थे ना है? मम्मी रोक्सी आई थी आज। रोक्सी तो नहीं आई आज, भैया कह रहे सबको रोक्सी को बहुत याद आ रही। और कहना पड़ेगा इसके भैया को, भाई लेकर आइए एक दिन के लिए, रह के जाओगी। उस समय मैंने कहा था कि शाम के टाइम ले आकर, जब आ कर रहे शाम के टाइम रोज आता है ना अमित। हाँ। तो मगर ले आकर वो दूध दाद पी कर फिर चली जाओगी जब तुम्हें रखनी वहाँ। बस ये है कि उन्हें परेशान नहीं करते बंदर, नहीं तो पूजा को काम भी नहीं करने देते। खुला घर हो गया ना ऊपर से, इधर से बरामदा भी पास है, तो इस वजह से बंदर बहुत ज्यादा आने लगे थे। एक दिन तो रात को सोन भी दिए, तो इस वजह से फिर चली गई थी। चलो और उसके ये बैठ के दोनों जय जय और वीरू हो गए। और उसके जब तो इशार ना वहाँ के बंदर चले जाओ यहाँ पे आ जा। हाँ हमारे घर में आ जा, हमें ज्यादा परेशान नहीं करते। वैसे हम क्यों कहें हमें परेशान कर रहे, आसपास में ज्यादा परेशान कर रहे। लाओ एक मेरी खांडी। मेरे दो अनमोल रतन तीन। ये देखो क्या हो गया, ये क्या हो रहा है यहाँ, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, नाड़ तुड़वाएगी क्या? आरुषी पे आरुषी छोटी बच्ची नहीं है, अभी 5 साल की हो जाएगी, छठे साल में लग जाएगी। अभी तो बस थोड़े ही दिन रह गए आरुषी के बर्थडे के। ये आरुषी क्या कहने, आज मेरी बहन का बर्थडे है। आरुषी के बर्थडे के 3 महीने रह गए बस। चल दिए हैं घर, क्योंकि ये थोड़ी ही देर का उमार है इनका भी और मेरे पति देव का भी। उनको चलो घेर में चल ले, घेर में चल ले। अब क्या लाए तो मन तय हो गए राजी है। इसका मन बहल जा नंदनी का रोज, इसे ऐसा नहीं लगता कि आज कहीं गए नहीं। अच्छा इसलिए है ना नंदनी, है ना? आज तो बोल ही नहीं रही। क्या हो रहा नंदनी के? आज तो ये आलस में भी है, इसे घूमना भी चाहिए था। हाँ। घर आते ही चिंकी बोल रही अट जाओ काम करना, क्योंकि ये काम को अपने बीच में छोड़ के चली गई थी। और ये आते ही इसे लेकर बैठ गए, थक गए कैसे लेकर चलते हुए? थक गए हम, बोल रहे हम थक गए। ये तो कुछ भी नहीं बोल रही आज। क्या कर दिया तुमने इसके? आज इसका भी कृष्णा चली गई है अपनी नाद पे, और ये है कृष्णा की नाद। और ये देखो ये अभी यहाँ पर अकेली बनती है, क्योंकि अभी जो पप्पू है वो छोटा है, तो इसलिए इसे इसके पास नहीं बांध सकते। हाँ भाई तू घेर में गया नहीं था, हम तो बहुत मस्ती कर गए वहाँ से। और ये कृष्णा आराम से अपना रात में खाती रहेगी। अभी इसका ये पर्दा जो है वो डाल देते हैं। उधर वे भी लग गए अपना खाना खाने में, इनका डिनर टाइम हो गया। अब सबसे पहले ही देखो इनका भी पल डल जाएगा। चलो और ये पिताजी को दिखा रहा है नखरे। आज ये सोएगा कृष्णा के पास और इसे पता चल जाएगा कि रात कैसी होती है, कितना ठंडा होता है रात में। और पिताजी खड़े हैं इसकी खुराक लिए हुए और छुपा छुपा के खिलाते रहते हैं मनाने के चक्कर में। ये पोता तुमने अपना ज्यादा वो कर दिया, बिगाड़ दिया। कौन सा खाऊंगा
देखो किसी का तो माँ का लाडला, यहाँ पिताजी का लाडला बिगड़ गया 50-50 और इसका हो गया 60-60। अभी तो मुंह पुलाव बैठी है। ये माँ ने कर दिया यहाँ पर रात के खाने की तैयारी और सब्जी काट रही है जब तक मैं चूल्हे में जीना लगाऊंगी और दूध गर्म करने के लिए रखूंगी। ये देखो लौकी बहुत बढ़िया है, माँ को पसंद आ रही है और माँ ये कह रही थी कि ये लौकी सूखने नहीं देने के, पहले इन्हें ही बनाओगे। कचिया लौकी है एकदम फ्रेश वाली। चाचा जी पी रहे दूध और रात की ड्रेस पहन ली इन्होंने, यानी कि गर्म कपड़े पहन लिए और देखो नीचे बैठ के पी रहे। उगड़ू बैठ के ही खाना खावांगे, उगड़ू बैठ के ही पानी पियेंगे, उगड़ू बैठ के ही दूध पियेंगे। वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देते। एक तो हार्ड वर्क करे चाचा जी भाई। और नहीं चाचा जी यही बात है, उकड़ू बैठ कर रोटी खाना ठीक है माँ, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ज्यादा मुझे भी नहीं पता। हाँ देखो चाचा जी का वेट नहीं बढ़ रहा, नहीं काम तो पिताजी भी करें, काम तो सारा दिन हम भी करें, तुम भी करो। जब बस ये अपना आराम करेंगे दूध पी के, वो इसमें वो गेट ले करो वे छुहारे से, वे तो बहुत नरम है। हाँ कल वो घेर लियो, अपना टीपन में करवा के धर लियो। माँ को भी कहूँ थी मैं दर्द नहीं रहने का, अनु बताया गया गुड्डो में दर्द वाले गुड बढ़िया है। ये देखिए चटाई ले गए, पता नहीं चल दिया तो, अरे घेर में से सुहा का वगी गई सा आज। ए नंदनी मांजा सुबह गिर गई थी तू, देखो मार रही इसते या नंदनी मांजा मान जा बेटा मान जा, देख क्या खुल गई है। टंडी टंडी नहीं है या चटाई है या आपने टंडी सोच लिया और कैप भी उतार दी। देख कृष्णा नु सोच रही कहाँ जा रही नंदनी, आ जाओ जल्दी गिल्ला हो रहा है यहाँ, जल्दी आओ चलो। तो आज काफी दिनों बाद मिट्टी के चूल्हे पर मैंने खाना बनाया, अच्छा तो लगे लेकिन वही है कि फिर से महसूस होना लगे दर्द जैसा, थोड़ा सा प्रेशर पड़ते ही। खैर कोई बात नहीं, रोज का यही बहाना चल रहा मेरा, बहाना समझिए कुछ भी। और ये नंदनी ना खुद ही पानी लेने के लिए आ गई, अभी खाना पीना सबका हो गया, बस यहाँ से ये सारा सामान समेट देते हैं। और माँ ना शोर मचा रही इसके पीछे क्योंकि ठंडा पानी पीने की कोशिश कर रही है, और माँ ने कर रखा गर्म पानी। बस गुड्डू के पापा रह गए खाना खाए बिना, अभी वे ऊपर एडिटिंग कर रहे, थोड़ी सी बाकी रह रही थी यूपी व्लॉगर बबली के लिए। तो चलिए जी ये व्लॉग आज का अभी आ जाएगा, लगे हुए हैं मेरे पति देव अपने काम पे, तो इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड। और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देखेंगे तभी कोई और देख पाएगा जब आप शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। तो दूर दूर तक फैला दीजिए और जान पहचान बना दीजिए।